लास्ट टाइम हमने अजम्पशंस देखे रिग्रेशन मॉडल के, और आज हम देखेंगे किस तरीके से हाइपोथेसाइज किया जाता है और व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अब बारी आती है हाइपोथेसिस देखने की। तो हाइपोथेसिस द सैम्पल स्लोप भी होने, सैम्पल स्लोप लिया है इसलिए स्मॉल बी से इंडिकेट किया है। अगर मैं पॉपुलेशन कंसिडर करूँगा तो मैं बीटा वन लिखूँगा। तो मैंने पॉपुलेशन के ऊपर मैंने हाइपोथेसिस बनाया, तो हाइपोथेसिस मेरा सिंपल लिनियर रिग्रेशन का ये होगा कि बीटा वन इक्वल्स टू जीरो, तो स्लोप क्या है, जीरो है। इसको मैं बीटा को क्या बोलता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी बोलता हूँ, वो बीटा वन इक्वल्स टू जीरो है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन हो जाएगा कि इट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये टू टेल टेस्ट है इसलिए इक्वल्स टू की साइन यूज हुई है, राइट। रिग्रेशन में हमेशा जो हाइपोथेसिस होंगी वो टू टेल टेस्ट ही होंगी। अब उसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है कि एक प्रपोर्शन इंडिकेट करता है। किस चीज़ का प्रपोर्शन इंडिकेट करता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना वेरिएशन या वेरिएबिलिटी डिफाइन करता है, तो उसको मैं बोलूँगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। क्या बोलूँगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना वेरिएशन एक्सप्लेन करता है, उसको मैं बोलूँगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ये चूँकि प्रपोर्शन है, इट विल रेंज फ्रॉम 0 to 1। जीरो बींग कि कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता, कुछ वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन नहीं करता, वन मतलब तमाम वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बता रहा था, जो प्रपोर्शन जो आर स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, उसके पहले हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वाई, वाई कौन सा वेरिएबल है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अंदर ये वैल्यूज क्या होंगी। सम ऑफ स्क्वायर्स का जो हमने देखा वो y माइनस वाई कैरेट का स्क्वायर, इसके पहले जो हम मैंने आपको सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एस्टीमेट बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी है। और इस पर अगर मैं मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन करूँगा तो मुझे ये आपको राइट हैंड साइड पर जो फॉर्मूला दिख रही है ये मिल जाएगी। चूँकि हमारे इस कोर्स में हमको मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं देखने हैं तो इसको अवॉइड करना कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से आता है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको देखना हो तो ये आपको बहुत सारे सोर्सेज हैं वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वाई है इसको मैं दो टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्या कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। तो इस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या है कि वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, SSR अपॉन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वाई वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाती है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की। अब आती है मल्टीलिनियर रिग्रेशन। तो मल्टीलिनियर रिग्रेशन क्या होता है कि जो भी चीज़ हमने सिंपल लिनियर रिग्रेशन में देखी वो मल्टीलिनियर रिग्रेशन में भी सेम टू सेम चीज़ें होती हैं। चाहे आप कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ले लो या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर ले लो या स्टैंडर्ड एरर ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे आपको सेम चीज़ अप्लीकेबल होगी। सिर्फ जो चीज़ चेंज होगी वो है यहाँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, यहाँ पे मीन स्क्वायर ऑफ एरर हो जाएगा, MSE हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं। तो मल्टीलिनियर रिग्रेशन अगर हम समझेंगे तो सिंपल लिनियर रिग्रेशन भी हमको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो एग्जांपल मल्टीलिनियर रिग्रेशन का ही लिया है ताकि आपको सिंपल लिनियर रिग्रेशन भी पता चल जाए। हम क्या करने वाले हैं कि हम आर के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसको लिनियर रिग्रेशन को किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहाँ तक था हमारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सिंपल लिनियर रिग्रेशन और मल्टीलिनियर रिग्रेशन, और नेक्स्ट टाइम हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे रिग्रेशन का और उसको समझेंगे कि मॉडल कैसे बनाया जाता है।